प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रोटक नो योर फेट। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। आप पर साल के पहले सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव होगा, इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। नमस्कार। राशियों पर ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ता है, राशि के हिसाब से पंडित जी जानते हैं। पहली राशि शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। अगर हम ज्योतिष के हिसाब से देखें तो ये मेष राशि में ही लगा हुआ है जी। तो सबसे ज्यादा जो इस ग्रहण का प्रभाव है, नकारात्मक है या सकारात्मक है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, वो मेष राशि के लिए है। तो मेष राशि वाले अगले 15 दिन एक महीने तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे। और मेष का मतलब होता है ब्रेन, सर। तो मेष राशि वाले सर दर्द ना हो, हड्डियों में दिक्कत ना हो, थोड़ा सा इसका ध्यान बनाए रखेंगे। वैवाहिक जीवन में समस्या हो सकती है, पति पत्नी का तालमेल बिगड़ सकता है, उसमें भी ध्यान बनाए रखने की मेष राशि वालों को जरूरत अवश्य है। और अगर आप कारोबार करते हैं या आप व्यापार करते हैं तो देखिए पार्टनरशिप में नुकसान ना हो जाए, देखिए आपका दिया हुआ पैसा ना डूब जाए, थोड़ी सावधानी रखिएगा। कारोबार और व्यापार के मामले में सावधानी बनाए रखना जरूरी होगा। तो मेष वाले अगले 15 दिनों तक बहुत सावधानी रखेंगे, क्योंकि सेहत और व्यापार को लेके आपको बड़े झटके लग सकते हैं। बचेंगे कैसे, करेंगे क्या? ग्रहण जब खत्म हो जाए अभी 12:29 पे नहा लीजिएगा, ना नहा पाए कोई बात नहीं, किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दीजिएगा, या गाय को गुड़ खिला दीजिएगा, या मंदिर में ले जाके गुड़ दे दीजिएगा। ये काम आज आप जरूर कर लीजिएगा, गुड़ का दान कर दीजिएगा, तो ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, तो दान करना है, स्नान करना है और थोड़ा ख्याल रखना है मेष राशि वालों को। अब बढ़ते अगली राशि की तरफ, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए भी अर्पिता ग्रहण थोड़ी सावधानियों की सूचना दे रहा है कि थोड़ा अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। वृषभ राशि वालों को अपनी आंखों का ध्यान देना होगा, अपनी आईसाइट का ध्यान देना होगा। आपकी आंखों में दिक्कत हो सकती है, आंखों को लेकर के अलर्ट रहिए। और चोट चपेट ना लगे, दुर्घटना ना हो, इसका ध्यान रखिए। खास तौर से हड्डियों में चोट आपको लग सकती है। अगर किसी यात्रा पर इन 15 दिनों में जाने वाले हैं तो यात्राओं में बड़ी सावधानी रखिएगा, यात्राओं में विशेष सावधानी रखना आपके लिए जरूरी होगा। और अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, मजबूरी ना हो तो 15 दिन टालिए। और अगर नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो नए काम में जल्दबाजी मत करिएगा, एकदम से मामला बिगड़ सकता है। तो थोड़ा सा अलर्ट होके, चैतन्य होके अगले 15 दिनों तक चलना है। हर काम में आपको सावधानी बनाए रखनी है। ग्रहण जब खत्म हो जाए 12:29 पर, तो ग्रहण के बाद आप लाल वस्त्र का दान कर दीजिएगा। ग्रहण के बाद किसी निर्धन व्यक्ति को लाल कपड़े का अगर आप दान कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है सूर्य ग्रहण का, हम आपको बता रहे हैं। और अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, जो कि है मिथुन राशि। अर्पिता, ये पहली राशि है जिसके लिए सूर्य ग्रहण के प्रभाव और परिणाम अच्छे हैं। अगर हम मिथुन की बात करें, आप बड़े बड़े कामों में सफलता चाहते हैं, आपने बड़े बड़े काम अपने हाथ में लिए हुए हैं, तो आपको बड़े बड़े कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा का आपको लाभ होगा, मान सम्मान आपको मिलेगा, पद प्रतिष्ठा भी आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। और इस समय आपका अनुकूल स्थान परिवर्तन हो सकता है,
चेंज ऑफ प्लेस मिथुन वालों का जरूर होने वाला है, और जो ये चेंज ऑफ प्लेस आपका होगा, ये चेंज ऑफ प्लेस आपके लिए अनुकूल होगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो मिथुन वाले अगर कोई बड़ी चुनौती लेना चाहते हैं, जीवन में किसी बड़े रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए समय बिल्कुल परफेक्ट है। आप आगे बढ़िए, चुनौती स्वीकार करिए, आपको लाभ होगा। और जिस समय ग्रहण चल रहा है, जैसे अभी ग्रहण चल रहा है, इस समय अगर आप भगवान शिव की उपासना करें तो ग्रहण के प्रभाव, ग्रहण के परिणाम आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर। बिल्कुल, अब जिस तरीके से हर राशि के हिसाब से हम बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए आपको ग्रहण के वक्त और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे परिणाम अच्छे हो सकते हैं, वो हम समझ रहे हैं। अगली राशि है कर्क राशि। जी, अगर हम कर्क राशि की बात करें तो आपके जीवन में इस ग्रहण की वजह से बड़े बदलाव होने चाहिए। जैसे इस समय आपके करियर में और आपके निवास स्थान में परिवर्तन हो सकता है। इस समय आपके करियर और निवास स्थान में बदलाव की संभावना बनती है। धन की स्थिति आपकी निरंतर बेहतर होती जाएगी और धन आपको निरंतर मिलता जाएगा, यानी परिवर्तन तो होगा लेकिन ये परिवर्तन आपके लिए लाभकारी रहेगा। माता और स्त्री पक्ष को कष्ट के संकेत हैं। अगर आप कर्क राशि के हैं तो अपनी माता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, अपनी पत्नी, अपनी पुत्री, अपनी बहन के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना इस समय आपके लिए जरूरी होगा। ग्रहण काल के दौरान जो समय अभी चल रहा है, आप थोड़ा सा समय निकाल करके भगवान शिव की पूजा कर लीजिएगा, नमः शिवाय का जप कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मोटे तौर पे कर्क राशि वाले बहुत सारे परिवर्तनों में जाएंगे और ये परिवर्तन उनके लिए कुल मिला जुला कर अच्छे रहेंगे, उसमें किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक एस्ट्रोटक, नो योर फेट। बिल्कुल पंडित जी, जब अब तो क्योंकि भारत में सूर्य ग्रहण दिख नहीं रहा, तो घर से बाहर निकलने में भी कोई पाबंदी नहीं होगी, आप जब चाहे तब निकल सकते हैं इस ग्रहण के बीच में, इस दरमियान में, या तुलसी उलसी रख कर ही निकलना चाहिए? नहीं नहीं, जब ग्रहण दिख नहीं रहा है तो आपको तुलसी के पत्ते रखने की कोई आवश्यकता नहीं है जी। बेसिकली होता क्या है कि जब ग्रहण दिखता है तो भोजन को खराब होने से बचाने के लिए या भोजन के अंदर नकारात्मक तरंगे ना आए, इसको रोकने के लिए हम तुलसी के पत्ते पानी में भोजन में डाल देते हैं। लेकिन ग्रहण दिख नहीं रहा है तो आप जहां जाना चाहिए जाइए, जैसा भोजन करना चाहिए करिए, विश्राम करना चाहिए करिए, उसमें कहीं कोई दैनिक जीवन में रुकावट आने की बात नहीं है। सिर्फ ये है कि भाई अभी 12-29 तक ग्रहण है, अगर आप 5-10 मिनट निकाल सकें उस समय में पूजा प्रार्थना कर सकें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल, और हम राशि के हिसाब से भी जान रहे हैं कि कौन सी राशि में इस सूर्य ग्रहण का कितना असर पड़ने वाला है। अगली राशि का रुख कर लेते हैं, वो है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य हैं, तो सूर्य ग्रहण का दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो सिंह राशि पर पड़ेगा। सिंह राशि के लोग अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का बहुत ध्यान रखेंगे। अपनी सेहत को लेके और अपनी मानसिक स्थिति को लेकर लापरवाही नहीं करेंगे। करियर में अगर कोई मौके आ भी रहे हैं, करियर में कोई पॉजिटिव परिवर्तन हो भी रहा है, तो बड़ा रिस्क मत लीजिएगा, बड़ा जोखिम लेने से बचिएगा। बड़ा रिस्क ना लें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, बहुत सोच समझ के करियर में आगे बढ़िएगा। और महत्वपूर्ण काम अभी ऐसा लग रहा है कि 15-20 दिन के लिए रुक सकते हैं, तो अगर महत्वपूर्ण काम 15-20 दिन के लिए रुकते भी हैं तो उसमें चिंता की जरूरत नहीं है ज्यादा, आपको थोड़े समय के लिए काम रोकिए और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़िए, वही आपके लिए बेहतर होगा। और ग्रहण के बाद आप गुड़ का दान करिएगा,
ग्रहण 12:29 पे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप गुड़ का दान कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और अब अगली राशि है कन्या राशि। अब कन्या राशि वालों के लिए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या लेकर आया। वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, इन तीनों राशियों पर ग्रहण के प्रभाव सर्वाधिक नकारात्मक हैं। लेकिन घबराइए इसलिए नहीं, क्योंकि हम उस निगेटिव प्रभाव को दूर करने के उपाय भी आपको बता रहे हैं। कन्या वालों को कहां ध्यान देना है, क्या सावधानी रखनी है अगले 15-20 दिनों में? आर्थिक और पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, इसीलिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम से और पारिवारिक प्रॉब्लम से आपको बचना होगा। वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा और जहां तक हो सके अगले 15-20 दिन तक चोर चपेट से बचाव करिएगा। जोश में आकर के कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। जल्दबाजी में, जोश में अगर आप बड़ा निर्णय लेते हैं, मामला बहुत खराब हो सकता है। इसलिए कन्या वाले अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार और अपने निर्णय को लेकर के पूरी तरह से अलर्ट रहेंगे। और जब ग्रहण अभी समाप्त हो जाए कुछ देर में, उसके बाद आप तांबे के बर्तन का या तांबे की कटोरी, तांबे के गिलास, इसका अगर आप दान कर देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो ये राशि के हिसाब से हम जानकारी दे ही रहे हैं, लेकिन पंडित जी, हाइब्रिड सूर्य ग्रहण, इसका क्या आशय हुआ? देखिए, ग्रहण कई प्रकार के होते हैं। एक होता है अर्ध सूर्य ग्रहण, एक होता है कंगन की तरह का कि चंद्रमा ने उसका पूरा हिस्सा ढक लिया और अगल बगल से अंगूठी की तरह सूर्य दिखाई दे रहा है, कंकड़ाकृति सूर्य ग्रहण। एक होता है खग्रास यानी संपूर्ण सूर्य ग्रहण, और एक सूर्य ग्रहण में होता है जिसमें आंशिक सूर्य के दर्शन होते रहते हैं। ये जो सूर्य ग्रहण है, ये संपूर्ण सूर्य ग्रहण है। कुछ जगहों पे आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा और कुछ जगहों पे संपूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, यानी इस एक ग्रहण में दो तरह के ग्रहण के दर्शन होंगे दुनिया में, कुछ जगहों पे आंशिक और कुछ जगहों पे पूर्ण। इसीलिए इसको हाइब्रिड कह रहे हैं, क्योंकि दो तरीके के ग्रहण एक ही समय में अलग अलग जगहों पर दिखाई देते हैं। उसका असर भी फिर अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से होता है, जैसे आंशिक जहां दिख रहा है वहां आंशिक सूर्य ग्रहण के प्रभाव होंगे और जहां पूर्ण है वहां पूर्ण के प्रभाव दिखेंगे? नहीं, प्रभाव तो देखिए लगभग पूरी दुनिया में एक ही होगा। जहां नहीं दिख रहा है वहां पर निगेटिव प्रभाव थोड़े कम हो जाएंगे। जैसे सूर्य ग्रहण के ज्यादातर जो निगेटिव प्रभाव हैं, उसमें काफी कमी रहेगी अगर हम भारत की बात करें। लेकिन जैसे अमेरिका के बारे में कहें, यूरोप के बारे में कहें, वहां पर इसके प्रभाव थोड़े ज्यादा होंगे। तो दिखने के असर से फर्क प्रभावों में पड़ सकता है, लेकिन ये फर्क नहीं है कि जहां पे आंशिक दिखेगा वहां कम होगा, जहां पूर्ण दिखेगा वहां पे ज्यादा होगा। बिल्कुल। चलिए अब अगली राशि का रुख करते हैं। राशि के हिसाब से बता रहे हैं हम प्रभाव सूर्य ग्रहण का किस राशि पर कितना प्रभाव। अगली राशि है तुला राशि। जी, तुला राशि की अगर बात करें तो ग्रहण के प्रभाव इनके लिए बहुत सुंदर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हम आपको इसके नकारात्मक प्रभावों से निकलने के उपाय भी बता रहे हैं। आपको पारिवारिक समस्या परेशान कर सकती है, बेवजह की मुकदमेबाजी हो सकती है, बेवजह के झगड़े हो सकते हैं, उनसे आप बचें। दुर्घटनाओं और ऑपरेशन जैसी नौबत भी आपकी आ सकती है, दुर्घटनाओं और शल्य चिकित्सा जैसी स्थिति आपकी बन सकती है। कानूनी समस्याएं परेशान न करें, बेवजह के अपयश परेशान न करें, इनसे आपको बचाव करना है। ग्रहण के बाद गेहूं का या आटे का अगर आप दान करें तो आप अपनी बहुत सारी मुश्किलों से बचेंगे। किसी तरह का अपयश न मिले या किसी तरह के मुकदमे में पुलिस कचहरी के चक्कर में न फंस जाएं, इससे बचने के लिए जब ग्रहण अभी समाप्त हो जाए 12:29 पर, तो आप किसी निर्धन व्यक्ति को गेहूं का या आटे का अगर दान कर दें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल।
अब अगली राशि है वृश्चिक राशि। पंडित जी, वृश्चिक राशि को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? वृश्चिक राशि के लिए अर्पिता, ग्रहण के प्रभाव सामान्यतः शुभ हैं, बहुत चिंता की बात नहीं है और वृश्चिक राशि वालों के जीवन की तमाम रुकावटें इस ग्रहण के प्रभाव से दूर होंगी। अगले 15-20 दिनों में इन्हें बेहतर मौके भी मिलेंगे जिससे रुकावटें समाप्त होंगी। जो इनके महत्वपूर्ण काम हैं, जिसको ये बनाना चाहते हैं या जिसमें ये आगे बढ़ना चाहते हैं, वो महत्वपूर्ण काम आपके बिल्कुल बन सकते हैं अगले 15-20 दिनों में। स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति भी आपकी अच्छी होती जाएगी, उसमें आपको किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वृश्चिक वालों के लिए ग्रहण के प्रभाव और परिणाम उत्तम हैं। ग्रहण के दौरान शिव मंत्र का जप करिए, नमः शिवाय। आप ग्रहण के दौरान जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर। बिल्कुल, क्योंकि सूर्य ग्रहण किस तरीके से आपके जीवन में प्रभाव डाल रहा है और ये पढ़ने वाले प्रभाव राशि के हिसाब से कितने हैं और इससे कैसे बचे वो हम समझ रहे हैं। अगली राशि है धनु राशि। पंडित जी, धनु राशि के लिए सूर्य बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए जरा सा भी ऊपर नीचे होता है धनु वालों का पूरा जीवन बदल जाता है। अगर हम धनु राशि पर सूर्य ग्रहण के प्रभाव को समझें तो धनु राशि के लोग अपने करियर में विवादों से और तनाव से बचाव करें। धनु राशि के लोगों के करियर में दिक्कतें हो सकती हैं, बेवजह के विवाद हो सकते हैं, खास तौर से उच्चाधिकारी के साथ तनाव हो सकता है, ध्यान रखिए। प्रेम और रिश्तों के चक्कर में अपयश मिल सकता है, प्रेम और रिश्तों के चक्कर में अपयश मिलने की संभावना बन सकती है। धनु राशि के लोग अगले 15-20 दिनों तक अपने संतान पक्ष का बहुत ध्यान रखेंगे, संतान पक्ष के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। और अगर आपको इस मुश्किल से बचना है, अचानक आने वाली समस्याओं को हटाना है, तो धनु राशि के लोग ग्रहण के बाद गुड़ का और गेहूं का दान करेंगे किसी निर्धन व्यक्ति को। ग्रहण के बाद गुड़ और गेहूं का दान करना आपको मुश्किलों से बचाएगा। नौकरी के मामले में कोई भी ऐसा स्टेप मत लीजिएगा, कोई भी ऐसा काम मत करिएगा जिससे आपको बिना रोजगार के, बिना काम के लंबे समय तक रहना पड़े। बिल्कुल, छोटी छोटी सी सावधानियां हैं जो आपको करनी है और थोड़े थोड़े उपाय हैं जो आप करेंगे तो ये सूर्य ग्रहण जो चल रहा है वो आपके जीवन में बहुत परिवर्तन नहीं बल्कि शुभ हो सकता है। अगली राशि है मकर राशि। जी, मकर राशि की बात करें तो आप अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का अगले 15-20 दिन तक बहुत ध्यान रखिएगा। अपनी सेहत और अपनी मानसिक स्थिति का बहुत ध्यान रखिएगा। स्थान परिवर्तन अगर आप कैसा भी करना चाहते हैं, बहुत सोच समझ के करिएगा, बहुत ध्यान रख के, बहुत नाप तौल करके तब करिएगा। धन के लेन देन में और निवेश यानी इन्वेस्टमेंट में सतर्क रहिएगा। कहीं पर पैसा लगाना है या कहीं पर रुपए पैसे का लेन देन करना है, उसमें थोड़ी सावधानी रखिएगा। मकर वाले इस समय जल्दबाजी में पैसा मत दें, पैसा मत लें, प्रॉपर्टी ना खरीदें या पैसा बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, पैसा डूब सकता है। ग्रहण के बाद तांबे के बर्तनों का दान करिएगा, तांबे का लोटा, तांबे की कटोरी, तांबे का गिलास, अगर आप इसका दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, अब अगली राशि है कुंभ राशि और कुंभ राशि के बारे में भी जान लेते हैं कि ये ग्रहण आपके लिए क्या बदलने वाला है या क्या अच्छा या शुभ या अशुभ करने वाला है। पंडित जी, कुंभ राशि वालों के लिए अर्पिता ये ग्रहण अच्छा है और इस ग्रहण से आपको फायदा ये होगा कि आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी, स्वास्थ्य की समस्याएं आपकी लगातार हल होती चली जाएंगी, शत्रु और विरोधी आपके परास्त होंगे और जो महत्वपूर्ण काम आपके रुके हुए थे ये तमाम महत्वपूर्ण काम आपके निश्चित रूप से बन जाएंगे।
तो कुंभ वाले अगले 15 दिन का पूरा इस्तेमाल करें। इन 15 दिनों में आपको विशेष लाभ होने की, विशेष सफलता मिलने की संभावना जरूर दिखती है। ग्रहण के दौरान अगर आप भगवान शिव की उपासना करें, नमः शिवाय का अगर आप जप करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगले 15 दिन का सही इस्तेमाल करें और जीवन में आगे बढ़ जाएं। बिल्कुल, अब मीन राशि के बारे में भी जान लेते हैं कि मीन राशि पर ये सूर्य ग्रहण कितना असर डाल रहा है। पंडित जी, मीन राशि वालों के रिश्ते के मामले में, पारिवारिक जीवन में दिक्कतें हैं और वो दिक्कतें थोड़ी बढ़ सकती हैं। इसलिए मीन राशि वाले अपनी फैमिली लाइफ का, अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान देंगे अगले 15-20 दिन तक। दुर्घटनाओं से और वाद विवाद से सावधान रहेंगे, चोट चपेट न लगे, बेवजह के वाद विवाद ना हो, इसका ध्यान रखेंगे। करियर के मामले में किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे। करियर और रिश्ते, ये दो चीजें आपको इस समय बचानी है। अगर इनको बचा करके आप चलें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जब ग्रहण अभी खत्म हो जाए 12:29 पर, तो आप ग्रहण के बाद अगर गुड़ का दान कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।